दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत सारे डॉन देखे होंगे और उनकी कहानी को इस तरह से पेश किया जाता है जिससे वे बहुत बड़े समाज सुधारक हों या फिर उन्होंने बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए हों। लेकिन जब यही डॉन आपके आसपास पल रहे होते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होती है, इसका अंदाजा आपको आज की इस वीडियो से लग जाएगा कि ये डॉन फिल्मों में देखने में जितने अच्छे लगते हैं, जिनके जैसा बनना अच्छा लगता है, उनके आसपास रहना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक ऐसे ही नेता या फिर अपराध की दुनिया के इस बेताज बादशाह की है जो जेल में तो बंद था या फिर बाहर घूम रहा था, लेकिन उस पर हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े आरोप लगते ही रहे। इस शख्स का नाम है मुख्तार अंसारी, जिसने राजनीति में आते ही ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़े को मात दे डाली। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसे जब पंजाब से यूपी लाया गया था तो उसने अपने आप को कुर्सी पर बैठा लिया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैं भागने के काबिल नहीं हूं, इसलिए मेरा एनकाउंटर नहीं किया जाए। दोस्तों, जो दूसरों को मौत की नींद सुलाते हैं जब उन्हें सामने मौत दिखाई देती है या फिर उन्हें कोई ऐसा लीडर सामने दिखाई देता है तो उनकी हालत कैसी होती है, इसका अंदाजा आपको मुख्तार अंसारी की तस्वीरें देख कर लग जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ऐसे ही नेताओं और अपराधियों का गवाह है जिनका जितना नाता राजनीति से रहा उतना ही अपराध से भी रहा। ये यूं कहें कि अपराध से नाता कुछ ज्यादा ही करीब का था। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के अपराध सामने आ गए तो किसी के अपराध सामने नहीं आए। 1996 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में मऊ से जीत हासिल की थी, जिनमें से आखिरी तीन चुनाव मुख्तार अंसारी ने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े थे। मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर में हुआ था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी जो कि वामपंथी नेता थे। मुख्तार अंसारी का बचपन भी बेहद अच्छे माहौल में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गाँव में पूरी की। उसके बाद उन्होंने गाजीपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो अक्सर खेलों में हिस्सा लेते रहे। कहते हैं मुख्तार अंसारी को क्रिकेट और फुटबॉल में काफी दिलचस्पी थी। साफ सुथरी छवि के कारण मुख्तार अंसारी के पिता 1971 में हुए नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले इंसान बन गए, जबकि उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना भी जाने माने हस्ती रहे हैं। नौशेरा के नाम से मशहूर उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी 3 जुलाई साल 1948 को पाकिस्तान के साथ हुई जंग में शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में चचा लगते हैं। अपने चुनावी शपथ पत्रों के अनुसार अंसारी पर फिलहाल देश की अलग अलग अदालतों में हत्या, हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काना, आपराधिक साजिश रचने, आपराधिक धमकियां देने, संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी करने, सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक के 16 से ज्यादा केस हैं। साल 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आता है। गाजीपुर जिले में एक जमीन के सिलसिले में सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के आरोप लगते हैं मुख्तार अंसारी पर। यह पहली बार था जब मुख्तार अंसारी का नाम किसी संगीन अपराध से जुड़ा था। इससे पहले छोटी मोटी घटनाओं को तो हम गिन ही नहीं रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई सबूत नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी निर्दोष साबित हो गया। लेकिन यहां से मुख्तार अंसारी चर्चा में आ गया। 1989 में अफशां अंसारी से मुख्तार की शादी करवा दी जाती है। दोनों के दो बेटे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे राजनीति में हैं, जबकि छोटा बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर है और कई बार उन्होंने पदक भी हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। 1990 के दशक में मुख्तार की गैंग ने जमीनों पर कब्जे करना, ठेकों पर कब्जे करना शुरू कर दिया पूरे पूर्वांचल में। इसके बाद मुख्तार के नाम की तूती बोलने लगी। लेकिन मुख्तार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ब्रजेश भी उतनी ही तेजी से पूर्वांचल में आगे बढ़ता है जितना कि खुद मुख्तार। मुख्तार अपराध की दुनिया में आना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी करियर मूव थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पहुंच इतनी है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। फिर दिया जाता है उस घटना को अंजाम जिसने यूपी के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 25 नवंबर 2005।
यूपी गाजीपुर का गोदावरा गांव में बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश रुकती है तब मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकलते हैं। उन्हें पास के एक गांव में जाना था जहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट होना था, तो उन्हें उस उद्घाटन में बुलाया गया था। अब क्योंकि कृष्णानंद को बगल के ही गांव में जाना था तो उन्होंने सोचा यहां भले बुलेट प्रूफ गाड़ी की क्या जरूरत है, और वे दूसरी गाड़ी लेकर चले गए जहां उन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और फिर वहां से दूसरे गांव जाने लगे। अभी वो सड़क पर ही थे, ठीक उनके सामने आकर एक एसयूवी रुकती है। उस गाड़ी से 8 लोग उतरते हैं जिनके हाथ में AK-47 थी। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड था। उन लोगों ने विधायक कृष्णानंद की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस घटना के समय 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई, जिसमें विधायक के साथ साथ उनके साथियों की भी मौत हो गई। जब इन लोगों का पोस्टमार्टम किया तो केवल 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई। हालांकि जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उसमें मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन इस बात की चर्चा थी कि मुख्तार अंसारी ने जेल से ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की रूपरेखा तैयार की थी। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ होने की वजहों को लेकर कई अटकलें लगती रही। कहा जाता है कि यूपी के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी उनके भाई अफजाल अंसारी का प्रभाव था। 1985 से लगातार ये सीट अंसारी परिवार के कब्जे में रही, लेकिन 2002 में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली थी, जो मुख्तार के सियासी कद पर दाग साबित हो रही थी। मुख्तार को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसी वजह से विधायक कृष्णानंद की हत्या करा दी गई। कृष्णानंद राय की जांच पहले यूपी पुलिस, फिर एसटीएफ और बाद में सीबीआई ने की, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को इस केस में बरी कर दिया था, जिनमें संजीव महेश्वरी, रामू मल्ला, मुन्ना बजरंगी, एजाजुल हक, मंसूर अंसारी, अफजाल अंसारी और राकेश पांडे शामिल थे। जुलाई 2018 में बागपत जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। एक समय मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। उनके खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर कुल 52 केस दर्ज हैं, जिसके कारण वह तकरीबन 16 साल से जेल में बंद है, और यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हुए उसकी 192 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त और जब्त किया है। पुलिस ने अब तक उसके गैंग के 95 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 75 गुंडों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इस समय मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी जो कि रासुका, मकोका, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे कानूनों में पाबंद रह चुके हैं, उन पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। ये नेता 14 साल से जेल में बंद है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका सिक्का लगातार कायम है। फिर चाहे भाई अफजाल की सियासी पारी हो या बेटे का सियासत में पहला कदम, दोनों को भी जीत मिली उसमें मुख्तार का ही हाथ माना जाता है। वो जेल में रहे या जेल से बाहर, ये यूं कहें जेल में रहना तो उनके लिए और भी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर उन्हें किसी राइवलरी गैंग से मारे जाने का खतरा बहुत कम रहता है। वक्त वक्त पर इस बाहुबली नेता की खबरें सुर्खियां बटोर ही लेती हैं। पिछले 13 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा और आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की खबरें लगातार वायरल होती रहती हैं। अभी ताजा केस उमेश पाल केस में भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों की गैंग के हाथ होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब ऐसे बाहुबली माफियाओं को पनपने के लिए सरकार का सहारा मिलता है, पुलिस का सहारा मिलता है, और भी धनी लोगों का सहारा मिलता है जो अपने पर्सनल फायदे के लिए ऐसे गुनहगारों को जन्म देते हैं, पनाह देते हैं, उन्हें पैसे की मदद करते हैं, और अंत में उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या किसी भी बाहुबली या फिर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को यदि राजनीतिक संरक्षण न मिले तो क्या वो इस हद तक अपने आतंक के पैर जमा सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।